नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में हम कुछ अलग विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही कॉमन भी कह सकते हैं इस व्याधि को, बट 100 में से 3 महिलाओं को ये होता है और इसका नाम है बायकॉर्नेट यूटरस। हम सभी जानते हैं कि स्त्री शरीर में गर्भाशय का क्या महत्व है। का यह एक ऐसा अवयव है जो कि गर्भ का धारण करता है और इसी गर्भाशय का प्राकृत होना, प्राकृत प्रेगनेंसी, गर्भधारणा के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बायकॉर्नियट यूटरस, यूटरस की एक ऐसी रचना जिसको आमतौर पर हार्ट शेप्ड यूटरस के नाम से जाना जाता है। हार्ट शेप्ड यूटरस, हम लोग सभी जानते हैं कि गर्भाशय का आकार कैसे होता है। हार्ट शेप्ड यूटरस तो मैडम इज ये एबनॉर्मल कंडीशन है और ये एक हेल्प कंडीशन होती है जिसमें गर्भाशय का आकार हृदय के जैसे बन जाता है। आप अभी सोचिएगा, जिसमें दो प्रकार का ये होता है, नॉच होता है, मैं आपको बताती हूँ। सेप्टम इसमें होता है, डिवाइडेड होता है। ये एक मुलेरिन डक्ट की जन्मजात विकृति है, बट पहले शुरुआत के दौर में तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कोई विकृति है, क्योंकि फिर जैसे प्यूबर्टी का समय आता है, प्यूबर्टी के बाद आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमारे पास कई सारे कैसे साथी, मंदाकिनी जी है, संपदा जी है और काफी सारे हमारे वैद्य हैं, और जो कि इस प्रकार से अलग अलग केसेस को हैंडल करते हैं। तो एक प्यूबर्टी के एज में, जैसे कि डिसफंक्शनल ब्लीडिंग, यूटाइन ब्लीडिंग को लेकर या डिसमेनोरिया को लेकर बहुत सारे मामले सामने आते हैं, और मैं सभी से बताऊंगी कि आप जरूर ये जांच कर ले। जैसे इसका जो प्रमाण है, ये 3% है। 3% यानी 100 में से 3 महिलाओं को इसकी समस्या हो सकती है। कंजेनाइटल एनामली ऑफ यूट्रस, कंजेनाइटल एनामलीज अलग अलग प्रकार की होती है। इस अलग अलग प्रकार के साथ साथ अभी मैं इमेज के द्वारा आपको यहाँ पर शेयर करती हूँ कि ये किस प्रकार से ये कंजेनाइटल होता है। देखिए, इसमें मैंने आपको क्लियर कट इमेज से पता चलेगा कि व्हाट इज बायकॉर्नियट यूट्रस। ये देखिए, ये कंजेनाइटल मुलेरियन एनामलीज है, जिसमें अलग अलग क्लास किए गए हैं। क्लास 1, जिसमें यूट्राइन हाइपोप्लाजिया होता है। क्लास 2, यूनिकॉर्नियट। क्लास 3, यूट्रस डाइडेल्फस। क्लास 4, बायकॉर्नियट यूट्रस। क्लास 5, सेप्टेट यूट्रस। क्लास 6, आर्क्यूएट यूट्रस। एंड नेक्स्ट वाला जो है, जो अलग रूप का है। तो अभी आप देखिएगा, आप देखिए बायकॉर्नियट यूट्रस, इसमें देखिए हृदय के जैसे इसका पुंडरिकेन सुदृश्यम, हृदयम स्यात् अधोमुखम, इस प्रकार से हृदय का आकार बताया है। कमल के सदृश हृदय का आकार होता है। बट ये हृदय का आकार तो ठीक है, बट क्या ये ठीक रहेगा जब गर्भाशय का आकार ऐसे बन जाता है? तो ये नॉर्मल रहेगा क्या, बताइए शुभा जी, आप सभी लोग बताइए। तो नॉर्मल नहीं है, बट इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं, बट इट कैन बी इंक्लूडेड एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है ये। बट ऐसा भी नहीं है कुछ, मेरा मतलब इसमें ये देखा है मैंने कि कुछ हम लोग इसमें अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ लोग इसमें IVF का प्लान करते हैं, कुछ एलोपैथी डॉक्टर्स इसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। सो बायकॉर्नियट यूट्रस ये एक अलग कंडीशन है जिसमें यूट्रस का सा आकार ये नॉर्मल नहीं होता है, इट बिकम्स हार्ट शेप। अभी हृदय हृदय की जगह है, गर्भाशय गर्भाशय की जगह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हृदय को गर्भाशय का आकार दिया जाए, गर्भाशय को हृदय का आकार दिया जाए, बट कभी कभी ये एक जन्मजात व्यंग के रूप में होता है। और फिर प्यूबर्टी के दौरान के लक्षण है, इसके लक्षण भी मैं बताऊंगी किस प्रकार से ये हेवी ब्लीडिंग होती है, इनफर्टिलिटी होना, या फिर बार बार रिपीटेड एबॉर्शन, ऐसे लक्षण इसमें होते, पेन भी होता है। देखिए अभी इसमें मैं आपको क्लियर इस इमेज में दिख रहा है आपको बायकॉर्नियट यूट्रस कैसे होगा, और जिसमें प्रेगनेंसी नहीं और है, और प्रेगनेंसी के बाद कैसे ये इसमें बच्चा कैसे होता है। देखिए बच्चे की पोजीशन कैसे होती है इस प्रकार से। तो
तो ये नॉर्मल हो सकता है, बट जैसे आप इसको इस पिक्चर को देख रहे हो तो आप समझ रहे होंगे कि ये थोड़ा सा मतलब रिस्क लेवल इसमें बढ़ जाता है, और फिर यहाँ पे आराम की और स्थिरता की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग गर्भिणी परिचर्या के ऊपर बड़ा ही हमारा रोल रहेगा। देखिए और क्लियरली आपको दिखता होगा, नॉर्मल यूट्रस, यहाँ पे अलग अलग यूनिकॉर्निएट, बायकॉर्निएट, सेप्टेट यूट्रस, ये सारी कंडीशंस इसमें बताई गई है, जो 100 में से 3 महिलाओं में होता है। तो देखिए हमें अगर 100 में से 3, यानी रेयर है, बट आई मतलब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये रिस्क है इसमें, और इसीलिए आज के सत्र में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। एंड जैसे इसमें मैंने बताया आपको कि ये जन्मजात है, इसमें शेप चेंज होता है, और इसके साथ अगर प्रेगनेंसी होती है तो इसको हम लोग कह सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा रिस्क में रहेगा ये। और फिर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, आपका यूट्रस बस हार्ड शेप रहे, और फिर आपको एब्डोमिन पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और काफी सारे दूसरे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। एमआरआई करके, सोनोग्राफी करके आप इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। और बस जैसे मैंने बताया, आप अर्ली इसमें स्टेज में अगर इसको जांच कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है आगे के ट्रीटमेंट प्लान के लिए। तो जिन महिलाओं में आपको लग रहा है कि भाई, जैसे अभी मंदाकिनी जी का केस था, कुछ वही लड़की का केस था कि जिसमें उनको पीसीओडी के लक्षण मिल रहे थे, अनयूजुअल ब्लीडिंग थी रिपीटेड, जैसे इसमें ये होता था, तो इसमें आप जांच करें, कभी कभी तो जांच भी नहीं हो पाती है, और फिर रिपीटेड, क्योंकि मतलब कभी कभी पीरियड्स भी नॉर्मल हो सकते हैं ना, और फिर प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं रिकरेंटली, तो हमें वहां पे डायग्नोस किया जाता है और फिर हमें पता चलता है। सो इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, रिपीटेड मिसकैरेजेस, पेनफुल पीरियड्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये इसके कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं। सो हार्ड शेप्ड यूट्रस आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा ऐसा है नहीं है, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है, बट रिस्क बढ़ जाती है मिसकैरेजेस की, प्रेगनेंसी लॉसेस की। एंड सो यहाँ पे हमें केयर करना है, बस यू हैव टू मॉनिटर द प्रेगनेंसी। बायकॉर्निएट यूट्रस के साथ प्रेगनेंसी को आपको ज्यादा मतलब बारकाई से, ज्यादा केयरफुली आपको इसको ये करना, मॉनिटर करिए, बस मॉनिटर करिए। अभी इसके कॉजेस क्या है, ऐसा कोई इसका, जैसे हम लोग गर्भ के भाव देखते हैं ना, ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, इसमें बीज भाव होता है, बीज विघात कर भाव है, होते हैं। सो ये कंजेनेटल एनोमली है, जो एक मतलब महिला, इसके साथ ही महिला का जन्म होता है, बेबी गर्ल जब बनती है, जब जन्म होता है बेबी गर्ल का, तो उसका यूट्रस ऐसे ही नॉर्मली होता है। स्पेशल इसमें लाइक डक्ट्स जो होते हैं, ये एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर इस प्रकार का ये हॉर्न बन जाता है, और ये हॉर्न थोड़ा सा चिपक कर बन जाता है, और तो इसका शेप बन जाता है हार्ट शेप। हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि गर्भिणी स्त्री अगर अच्छे से परिचर्या का पालन करे, तो उसका जो गर्भ है वो, जिसमें मैंने कई सारे सत्र लिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम लोग गर्भ का बल बढ़ा सकते हैं, गर्भाशय का बल बढ़ा सकते हैं, और इसमें प्रीकंसेप्शन एंड गर्भ संस्कार का कितना बड़ा रोल है। तो प्रीकंसेप्शन में तो यही करना है ना, आप अगर नॉर्मली भी कोई समस्या नहीं है आपको, फिर भी कोई कपल प्लान कर रहा है, तो उसमें शोधन करिए, 14 के बाद रसायन करिए, 6 महीने का टाइम दीजिए, और प्रेगनेंसी प्लान करिए, तो मुझे लगता है कि ऐसी जो संभावनाएं कंजेनाइटल एनोमलीज है, इसका प्रमाण कम हो सकता है। आप इसके लिए अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सिस्टोसैंपलिंग, पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो एलोपैथी डॉक्टर्स तो इसको सर्जरी ही एडवाइस करते हैं, एंड बट जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आप इसमें अलग से भी विचार कर सकते हैं, और जैसे आप इसमें प्लान कर सकते हैं। ये एक मुलेरियन डक्ट की विकृति है, नॉन फ्यूजन और इम्पेयर्ड फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाती है, और इस प्रकार से ये मुलेरियन डक्ट, इसको हम लोग पैरासोनिफिक डक्ट भी कहते हैं, जो एम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, इंपॉर्टेंट है यूरोजेनाइटल सिस्टम डेवलप करने के लिए। और ये केवल एक एनामली नहीं है, देर आर सेवरल एनामली, यूनिकॉर्निएट, सेप्टेट, अर्क्यूएट, बायकॉर्निएट एंड मेनी मोर। द इंसिडेंस ऑफ यूट्राइन मालफॉर्मेशन ये 3 से 5 जनरल पॉपुलेशन में है, और जैसे मैंने बताया इसका जो ये हार्ट शेप बन जाती है, तो इसकी 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। ये एक मेजर कॉज है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का,
कई बार एक अबॉर्शन के लिए तो हम लोग इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, हम बोलते चलो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके प्रेगनेंसी हम लोग इसको प्रिवेंट करेंगे, बट दो तीन बार अगर होता है तो हम लोगों के इसमें आता है कि कहीं टॉर्च है क्या, व्हाट इज द कॉज, हम लोग कॉज रूल आउट करने में लग जाते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ द सर्विक्स इट इज डिवाइडेड इन टू बायकॉर्डिनेट एपिकोलिस एंड बायकॉर्डिनेट बायकॉर्डिस। और ये एबनॉर्मिटी ये जो है ये इस प्रकार से देखी जाती है, हाई रिस्क में आ जाता है और ये चैलेंज बन जाता है। कई बार तो इसमें प्री टर्म लेबर होता है, मतलब प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस है तो महिला के लिए चैलेंजिंग बन जाता है और फिर इस प्रकार से। बट ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग होगा बट इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इसमें इसमें अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, इसके कई सारे एविडेंसेस भी है और मुझे लगता है कि जो एक्सपर्टाइज है इसकी बिल्कुल इसमें हम लोग सबसे पहले तो आप अगर आपने डायग्नोस कर, अगर देखिए अभी इसमें अलग अलग प्लान हो सकते हैं। अगर कोई महिला बायकॉर्डिनेट यूट्रस के साथ प्रेग्नेंट होकर आती है तो आप इसको ज्यादा केयर करें, आप इसको ऐसे मैनेज करें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में करें, जैसे इसमें हम लोग आमतौर पर जो बेड रेस्ट है, खान पान के ओर ध्यान देना, जो गर्भिणी परिचर्या में जो अलग अलग प्रकार के काढ़े बताए गए हैं, हर महीने में अलग अलग काढ़ा है, मासानुमासिक काढ़े है, इसका सेवन करवाना, गर्भस्थापना, प्रजास्थापन गण, गर्भपाल रस से लेकर शतावधि तक जो भी सारे द्रव्य है हमारे पास जो कि गर्भस्थापना गर्भस्थिरीकरण के लिए हम यूज कर सकते हैं, ऐसे सारे कल्पों का हम लोग यहाँ पे चयन करेंगे और पेशेंट को हम इस प्रकार से सारी मैनेजमेंट हम लोग इसमें देखिए। इसमें तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो गई तो इसमें हमें सिर्फ मैनेज करना है, प्रेगनेंसी को गर्भ को स्थिर रखना है, गर्भपात ना हो, गर्भ विघात कर भावों का सेवन करने से इसको बचाना है। और फिर हम इसमें तो ये मुझे लगता है आराम से कर सकते हैं, आप केयर करें फिर आप इसमें प्लान करके लाइक LSES को भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, मतलब मॉनिटर करें कि पेशेंट का ओवरऑल सारा ग्रोथ कैसा है, बेबी का वेट बढ़ रहा है क्या, और सारी बातें जहां पर आपको लगे। तो कई बार सर्वाइकल स्टिच भी दिया जाता है ताकि अगर अनावश्यक रूप से कोई कॉन्ट्रेक्शन ना हो, इसके लिए आप सर्वाइकल स्टिच देकर भी प्रेगनेंसी को अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हो। और आप मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदिक सारा दीजिएगा, जहां पे जरूरत हो वहां पे, जैसे मैंने सीजरियन का यहाँ पे ज्यादा बताया क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ज्यादा प्रमोट ना करें क्योंकि रिस्क हो सकती है। कई बार तो ऐसे केसेस में IVF करके भी प्रेगनेंसी लाई जा सकती है। तो जैसे भी हो देखिए हमारा उद्देश्य है कि माँ, हर कोई स्त्री माँ बनने से उसको हम वंचित नहीं करें, हर स्त्री माँ बनना चाहती है तो उसमें हम लोग इसकी मदद करें। और माँ बनना जो एक बहुत ही अद्भुत होता है हर महिला के जीवन में, तो इससे उसको वंचित ना करें। एंड सो प्रेगनेंसी हाई रिस्क है बट इसको मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक जो भी सारे मेडिसिन है उसके साथ इसमें हम लोग प्लान करते हैं। ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, अभी यहाँ पे क्षेत्र है, क्षेत्र की विकृति है तो क्षेत्र यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी फिटस गर्भाशय, तो बिल्कुल इसमें अभी इसके लिए अंबु न्यूट्रिशन सभी का भी इम्पोर्टेंस है, तो वो भी सारी बातों को आप इसमें जरूर ये करें। अभी इसमें आगे अभी देखिए ये तो हो गया कि प्रेगनेंसी को कैसे कंटिन्यू करें, तो आप सारी जो बाकी ट्रीटमेंट है जो हम लोग गर्भस्थिरीकरण के लिए देते हैं रसायन वगैरह उनका यहाँ पे आप विचार करें। बट अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, इसमें देखिए जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार के मामले में ऐसे बायकॉर्डिनेट यूट्रस के साथ प्रेगनेंसी के मामले में 40% संभावना होती है मिसकैरेजेस की, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट हम लोग इसको पंचकर्म के द्वारा इसको थोड़ा सफल बना सकते हैं। तो आपके पास ऐसी कोई केस आती है जो एक दो लाइक प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं और आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या करे, तो मुझे इसमें सबसे बेस्ट रहता है लगता है कि पंचकर्म करें। और इसमें आप कैसे प्लान करेंगे, जो रेगुलर रूटीन हमारा प्लान रहता है लाइक दीपन पाचन करके हम विरेचन करें, बस्ती दे, इसमें उत्तर बस्ती मात्रा बस्ती दोनों बस्तियों का बड़ा ही अद्भुत मिलाप करके हम ये प्लान कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये समस्या के लिए हम विचार कर सकते हैं। जैसे हम एक सिंपल तरीके से देखेंगे तो पहले मैंने दीपन पाचन का बताया, रस पाचक रक्त पाचक या आम पाचक वटी दीजिएगा, फिर त्रिफलाघृत या पंचगव्यघृत आप दीजिए, गव्यघृत ओवरऑल बहुत ही इफेक्टिव है, पंचगव्यघृत का स्नेहपान करा दिया हमने और फिर तिरुतहुलेश से विरेचन करवा दिया। विरेचन के बाद आगे प्लान करिएगा, अभी ये जो है आपको इसमें
ये बात भी थोड़ा विचार में लीजिएगा कि बाकी पेशेंट को इस बायकॉर्नेट यूट्रस के साथ उसकी महावारी यानी मंथली साइकिल जो है वो कैसे चलता है, यानी उसको पीरियड का दर्द है क्या, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्या, या कोई पेट की परेशानी है क्या, व्हाटएवर जो भी है इसका आप रूल आउट करेगा, हिस्ट्री में लीजिएगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पीरियड का दर्द है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम पित्तशमन की चिकित्सा करेंगे, सूत शेखर, काम दूधा, चंद्रकला रस, पुष्यानुचूर्ण, अशोकारिष्ट, ये सब कुछ देकर हम ब्लीडिंग को कम करेंगे। यानी एक पहले 3 महीने में अभी दीपन पाचन दे दिया, विरेचन हो गया, बाकी ट्रीटमेंट के लिए बाकी सारे लक्षण अगर होते हैं तो ये सारे मेडिसिन डालिएगा। इसमें इसमें जरूर विचार करें पेशेंट का, आयु विचार करें पेशेंट का, वजन देखें, और जैसे कि पेशेंट की धातु का बल बढ़ाए आप अवलेह कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं, च्यवनप्राश और बाकी सारे भी अवलेह है बहुत सुंदर सुंदर जिसका भी बड़ा अच्छा रोल रहेगा। अश्वगंधा अवलेह दे सकते हो आप, इसमें सुपारी पात का बहुत अच्छा रोल रहेगा वो भी आप इसमें दे सकते हो। चंद्रप्रभा वटी दीजिएगा पेशेंट को, आप पेशेंट को सूक्ष्म त्रिफला दीजिएगा, यानी ओवरऑल हम जितना उसको अच्छे मतलब अच्छी इम्यूनिटी अच्छा ये कर सके उतना आप पहले के दिनों में कर दीजिएगा, और पीरियड के डेट को देखकर फिर पीरियड हो जाने के बाद 6 दिन से इसमें आप उत्तर बस्ती या मात्रा बस्ती का प्लान कर सकती है। मात्रा बस्ती के शुरुआत के दिनों में जैसे बल बढ़ाना है, गर्भाशय को थोड़ा स्थिर और सेटल करवाना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो बला तेल या लाइक चंदन बला लक्षादि तेल का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सहचर थोड़ा अगर गर्म पड़ता हो तो देखिए इसमें भी आपको पेशेंट की ओवरऑल आयु प्रकृति इन सभी को देखना पड़ेगा और इसके साथ ही प्लान करना पड़ेगा। हमारे पास मेडिसिन की लंबी लिस्ट होती है, आप सभी भी जानते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन हमारे पास है, बट जैसे कि करेक्ट जो हमें यहाँ पे ये करना है, करेक्ट प्लान हमारा हो इस प्रकार से ही हम इसमें ये करेंगे। आयुर्वेद में इस बायकॉर्नेट यूट्रस को कभी कभी उदावर्तिनी योनि व्यापद के रूप से भी देखा जाता है, उदावर्तिनी योनि व्यापद या आप इसको डिस्मेनोरिया के रूप से भी देख सकते हो। तो उदावर्तिनी योनि व्यापद में ये जो रिपीटेड अबॉर्शन और जो एक बीज दुष्टि होती है और इसमें भी दैव शक्ति को माना जाता है, तो ये आप इसके साथ तुलना करते हो। इसमें भी जैसे बेस्ट आपको ये करना है तो फल गुरुत का पीछू रखिएगा पेशेंट को, 6 दिन के बाद अपने बस्ती कर रहे हैं आप, मात्रा बस्ती दे रहे तो पीछू रखिएगा फलवृत का पीछू, फलवृत पान भी कंटिन्यूली 6 महीने 3 महीने तक फलवृत पान करवाइएगा। बृहत शतावरी गुरु दे सकते हो, इसके साथ पुष्यानु चूर्ण दीजिएगा। फिर लक्ष्मणारिष्ट का भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा रोल है। फिर जो मैं बताती हूँ जिस प्रकार से पुत्र जीवक और बीज पुष्टिकर योग है, इसका प्रयोग आप कर सकते हो। काढ़े में आपको महारसनादि काढ़ा बेस्ट है, जीरकाद्यारिष्ट, जीरक आदि मोदक, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। जो भी तेल का या घृत का पीचू रखना, तेल का मात्रा बस्ती देना, इसके लिए बेस्ट ये रहता है। मैंने इनफर्टिलिटी को लेकर कई सारे सत्रों में बताया था कि शतावरी आदि का जो मात्रा बस्ती है बेस्ट है। शतावर्यादि गुरुत आप पान भी करवा सकते हो। देखिए एक एक हर महीने में एक एक पान करिए, अपने खुद से भी पीचू बना सकते हो। अलग अलग द्रव्य जो है लाइक गुरुची है, मालती है, रासना है, बला है, ज्येष्ठ मध है, इनको लीजिएगा, इसका तेल बनाकर इसका पीचू रखिएगा। आप जो देखिए जो अच्छे अच्छे काम करने वाले प्रजा स्थापन करने वाले द्रव्य है ना, इसको चुनिएगा और इसका आप यूज करिएगा। गुरुचादि तेल का उत्तर बस्ती काफी अच्छा इसमें रिजल्ट देता है, जिसमें पेशेंट का जो पेन भी होगा वो भी कम होगा। धीरे धीरे जो गर्भाशय अर्थव स्त्रोतस है इसमें स्निग्धता आ जाएगी, इसकी क्षमता बढ़ेगी, टिश्यू धातु और सेल्स लेवल पर स्टेबिलिटी आएगी, पुष्टि मिलेगी, और जितना गर्भाशय पुष्ट बनेगा उतना वो उसमें धारण करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। इसमें काश्मर्यादि घृत, शतावर्यादि गुरुत्व तो ऑलरेडी आप यूज करते ही है, इसका भी अच्छा रोल रहता है। आप देखिए इसमें आप अलग अलग टाइप से बस्ती प्लान करें, आप योग बस्ती दे सकती है यानी मेनु अनुवासन का इसमें रोल कर सकती है, आप मात्रा बस्ती सेपरेटली दे, इसमें क्षीर बस्ती का भी बेस्ट रहता है, आप क्षीर बस्ती भी प्लान कर सकती है, या फिर दशमूल क्षीर दोनों डालिएगा, यानी वात का भी शमन हो जाएगा। अगर पेशेंट पॉसिबल हो तो पेशेंट को मांस रस का सेवन करवाए, आप मज्जा या मांस रस का भी बस्ती दे सकती हो बिल्कुल, और इसमें वो भी काफी मतलब काफी केसेस में ये अच्छा माना गया, काफी केसेस में इसका उपयोग होता है। और इसी प्रकार से जैसे मैं बता रही हूँ कि बाय
कॉर्नियट यूट्रस यानी हार्ट शेप्ड यूट्रस है ये, तो मेरे पास कुछ इसके रिजल्ट है, इसीलिए मैंने आज के सत्र में इसको लिया था। जैसे गर्भाशय एक आशय है महिला में, और इसका मूल स्थान साबित है कि इसमें सभी आपको दोष धातु सभी कुछ चरकाचार्य का जो इसमें रोल बताया गया है, चरकाचार्य जो भी जिस प्रकार से बताते उस भी एक मैंने एक और प्लान मैंने देखा है सक्सेसफुल इसको किया था। जैसे मैंने योग बस्ती का अभी बताया, इसमें नीरू में आप दशमूल एरंड डालिएगा 350 ml, फिर मधु शहद सेंधव, और इसमें नारायण तेल ऐड किया था हमने, और फिर ये इसका हो गया नीरू का हो गया मात्रा। अनुवासन के लिए सहचर तेल का यूज किया था, सहचर 50 ml, और फिर से नारायण तेल भी 50 ml डाला था, अल्टरनेट डे नीरू अनुवासन दिया था, और फिर इसको हमने वजाइनल पीछू भी रखवाया था फलग्रुप का और बला तेल का, इसे एक एक दिन फलग्रुप का और नेक्स्ट डे बला तेल का, फिर फलग्रुप का फिर बला तेल का, इस प्रकार से ये जो ट्रीटमेंट दी थी उस केस में ये 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूली दिया गया था। इसके साथ चंद्र प्रभावती आरोग्य वर्धिनी चलाई भी थी, लक्ष्मण अरिष्ट भी दिया था। जैसे इसमें लक्ष्मणा वनस्पति का भी गर्भ स्थापना और गर्भ धारणा के लिए बेस्ट रोल रहता है। तो धीरे धीरे पेशेंट में इस बस्ती के साथ साथ नेक्स्ट उसके जो साइकल्स आए वो काफी इंप्रूवमेंट थी, पेन कम हो गया था पेशेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से आई थी पेशेंट को। इसके साथ साथ खान पान में भी बदलाव, वातशामक आहार ये भी कुछ बताया गया था, मतलब स्नेहन तो था ही क्योंकि स्नेहन जरूरी था एक प्रकार से। कहीं ना कहीं जो हम शरीर की व्याख्या देखते हैं तो शरीर निर्माण में अगर पंचमहाभूतों का या त्रिदोषों का वातदोष का देखेंगे तो वायु ही बीज का विभाजन करता है, और इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली ये इसके कारणों का भी कहीं पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। इस प्रकार से ये पूरी हमने की था किया था। तो 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी हुई थी, तो प्रेगनेंसी में तो जैसे मैंने बताया कि मॉनिटराइजेशन ये हाई रिस्क लेवल पर होता है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से आराम करवाना, उसकी मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति, फिर गर्भपाल रस आप 2 बीड़ी दीजिएगा, मधुमालिनी वसंत 1 बीड़ी, एक सिद्ध क्षीरपाक बनाइएगा जिसमें प्रजास्थापन गण के द्रव्य डाले, इसमें सारीवा जरूर डाले रक्त के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रक्त दृष्टि ना हो करके शुंठी डालिएगा, और आप यूज करें खड़ी शक्कर का सीता सीता, ये आप 9 महीने तक जो पेशेंट को जो भी अगर शुगर कंटेंट कुछ देना है तो इसमें सीता या खड़ी शक्कर का प्रयोग करें। खड़ी शक्कर ये मधुर शीत पित्त शमन करने वाली और बल बढ़ाने वाली शुक्र कर बताई गई है, तो इसीलिए शुक्र धातु का बल बढ़ाने के लिए आप इसमें प्रयास करें। तो जिसमें शतावरी अश्वगंधा सारीवा शुंठी ये सब कुछ मिलाकर एक अच्छा क्षीरपाक बनाए। कभी कुछ इसमें ये भी शिरोडकर स्टिच यानी जो हम एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में देते हैं, तो आप इसको ये कर सकते हो जो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का रिस्क भी कम करा देती है। 20th week में आप इस प्रकार का जो स्टिच है वो डाल सकते हो, और फिर रेगुलर फॉलोअप लीजिएगा पेशेंट का, वेट बढ़ रहा है क्या क्या हो रहा है। आप अलग अलग जैसे जो खीर बताई गई है या जो अलग अलग यवागु बताई है, पेशेंट के सिम्टम के अनुसार गर्भस्थापना गर्भ का वजन देखिएगा, पेशेंट का ओवरऑल जनरल कंडीशन देखिएगा, एंड इस प्रकार से आप इसमें प्लान कर सकते हो। ऐसे ही सभी सारे केसेस में बहुत अच्छे से आई थिंक बायकॉर्नेट यूट्रस के साथ काफी यही सारे मिले जुले, कुछ थोड़ा सा इसमें फर्क रहेगा कि कहाँ पर कुछ यूज किया कहाँ पर कुछ यूज करके हमने मतलब मैंने खुद से कुछ केसेस देखे, इसीलिए मैं इसके बारे में बता सकती हूँ कि वी कैन मैनेज सच टाइप ऑफ कंडीशंस अप टू सम लेवल। अब जैसा कि देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं ना, जैसे गर्भ विघात कर भाव, अगर महिला कोई गर्भ विघात कर भाव का सेवन करती है तो कभी कभी प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि लाइक हमारा अप्रोच हमारा इसमें जो भी ये रहेगा, हम जैसे भी चाहे आपका प्लान एक अगर अच्छे से कर सकते हो तो आप करिएगा। कई अलग अलग केसेस आपके साथ आते हैं, इसमें अगर कोई पेशेंट आती है ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ भी मैंने 1-2 केसेस देखी थी, तो वहां पे उत्तर बस्ती अच्छा रहेगा। आप इसमें अपामार्ग क्षार के साथ तिल तेल मिलाकर भी यूज कर सकते हो, तो ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए तो बस्ती ही अच्छा रहेगा। हमें यहाँ पे ऐसे तेल का ऐसे मेडिसिन का चुनाव करना होगा जो तीक्ष्ण व्यवायी उष्ण हो, वात का शमन भी हो जाए, जो अवरोध है
उस देखिए ट्यूब ब्लॉक हुआ है तो अवरोध को निकालना है, तो अपामार्ग क्षार जो कि उष्ण छेदन दीपन काम करता है बेस्ट इसमें रिजल्ट देगा। तो सारा ऐसा मेडिकेशन हमारा हो इस प्रकार का, जो मैंने कई बार फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को लेकर भी बताया था। देखिए इसमें अगर जो भी केस प्रेजेंटेशन हो, अलग अलग टाइप के केस प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, अब एबॉर्शन के केसेस हो सकते हैं, इसके साथ कोई दूसरी अगर कंसर्न है, दूसरा कोई लक्षण लेकर वहां पे केस आता है, तो उसमें भी उसी प्रकार से आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या हम इसमें विचार करें, क्या दें हम लोग इसमें। गर्भाशय गर्भांग कंजेनाइटल एनोमली है, यहाँ पे ये विचार आप आपके दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कंजेनाइटल एनोमली के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बट हमारे पास काफी कुछ है, क्योंकि आचार्य चरक के अनुसार ये जो मुलेरियन डक्ट है तो ये एक प्रकार से एक ओवेरियन एजेनेसिस मुलेरियन डिसजेनेसिस है, जो आचार्य चरक बताते हैं कि बीज का विघात है, बीज पाठ की दुष्टि है, बीज दुष्टि उसको बताते हैं, बीजोपघात बताते हैं। और हम बहुत 100% तो नहीं बताऊंगी मैं, बट मेरा इसमें मतलब मुझे लगता है कि हम लोग इसमें प्रयास जरूर कर सकते हैं। हाँ, बट आप जरूर सभी बातों का ख्याल रखें, इसमें सारी बात देखे सोचे कि क्या क्या कंडीशंस है, और जैसे आपका इसमें ये होगा केसेस होगा उसमें आप जरूर करें। फलगृत शतावरी शतपुष्पा तेल का भी मात्रा बस्ती काफी लाभदायी होता है, आप हरिद्रा फिर शिलाजतवती दीजिएगा, भृंगराज रसायन पीपली है, यष्टि मधु है, मंजिष्ठा है और आसना है, तो ये इनफर्टिलिटी के लिए एक बेस्ट मतलब अच्छी दवाई मानते हैं। आप इसमें अलग से थोड़ा सोचकर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करिएगा, बिकॉज दे आर हैविंग रोल, निश्चित रूप से इनका भी रोल रहता है, इनको कंट्रोल में लाने के लिए आपको नस्य की क्रिया करनी होगी। सो विद द हेल्प ऑफ नस्य पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें द्राक्षावले हो, मैं दाढ़ी मावले हो का भी यहाँ पे विचार जरूर बताऊंगी कि दाढ़ी मावले हो भी आप दीजिएगा, और द्राक्षादि कषाय है, वरुणादि क्षीर कषाय है, कल्याणक कषाय काफी बेस्ट होता है, महारासना है, जहाँ पे आपको स्थानीय चिकित्सा की जरूरत है तो एज मतलब जितना हम अच्छा गर्भाशय और आर्तो मार्ग जितना शुद्ध करें उतना करिएगा। पीछू तो हमने ऑलरेडी एडवाइस किया था, प्रक्षालन पीछू सब कुछ कर सकते हो, यानी आप वजानल कोई भी इन्फेक्शन वहां पे ना हो, आप सर्विक्स को भी क्लीन करो, ऐसा करके आप इसमें करेगा। और कुछ मैं बताऊंगी इसमें, और थोड़ा सा मेरा प्लान इसमें ये रहेगा कि और कुछ द्रव्य बताती हूँ जिसमें उदुम्बर हरिद्रा यष्टि मधु मंजिष्ठा इसका भी बहुत ही सर्वाइकल म्यूकस में इसका अच्छा रोल है, तो सर्वाइकल म्यूकस पर काम करना उदुम्बर का काढ़े का धावन है, या उदुम्बर आवलेह भी आप पान के लिए दीजिएगा। शतावरी अश्वगंधा वो तो है ही बला, और जीवनी गण के द्रव्यों का तो है ही, चंद्र प्रभाव कैशोर गुगुल एक और दूसरा कॉम्बिनेशन भी है जिसमें आपको कैशोर गुगुल त्रिफला गुगुल और पुनर्नवा कुटकी, जो अगर पेशेंट फैलोपियन ट्यूब के साथ ब्लॉक के साथ आती है तो इसमें कैशोर गुगुल त्रिफला गुगुल पुनर्नवा और कुटकी जो थोड़े भेदन करने वाले द्रव्य है इनका भी अच्छा रोल होता है। इसमें गुरुची जीवंती ये जो एक प्रीमैच्योर ओरियन फेल्योर होता है उसके लिए भी काफी अच्छा काम करते हैं। सो देयर आर मेनी ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स है जो चॉइस ऑफ आप करें, जैसे आपका केस है उसके लिए आप चॉइस करें, बट मुझे लगता है कि इन सभी कंडीशंस में हम बहुत अच्छे से पंचकर्म चिकित्सा प्लान करके, पहले पंचकर्म यानी शोधन, फिर रसायन और फिर गर्भस्थापना, ऐसे करके प्लान करें। और इसमें आपको मॉडर्न कंसेप्ट को भी नहीं भूलना है, जिसमें हमारे हार्मोन्स को भी आप काम करें, CNS और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन GnRH इन सभी पर भी काम करें। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में आपको अपान वायु पित्त दोष इनको भी सोचना है, क्योंकि अपान वायु का ही एक क्षेत्र है, अपान वायु जैसे ऋतु क्षेत्र बीज अंबु कंसेप्ट को ही ध्यान में रखकर इस प्रकार से इसमें आप विचार करिएगा। तो बायकॉर्नियट यूट्रस इज ट्रीटेबल और हम इसमें बेस्ट तरीके से काम कर सकते। आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, डॉक्टर शशि जी ने कुछ डाला है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में आयुर्वेद में कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, अच्छा आपका क्या विचार है, आपको क्या, सभी लोग बताइए, शुभा जी क्या आपको क्या लगता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी में आयुर्वेद क्या करता है, सारे डॉक्टर्स बताइए।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैडम इमरजेंसी कंडीशन है। आयुर्वेद कुछ कर सकता है क्या इसमें? आपको आपको क्या लगता है? सर्जिकल रिमूव एक्चुअली देखिए ना मैम, एक मैं बताऊँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आई डोंट थिंक कि हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते, बिकॉज ये तो एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, तो मुझे नहीं लगता तब के लिए आपको कुछ ये होगा। बट हाँ, इसके बाद अगर आपका ट्यूब ब्लॉक होता है तो वहां पर हम विचार कर सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए आयुर्वेद में ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बार हो गई है तो वहां पे तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, मैंने तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की अगर रिस्क लेनी चाहिए तो उस समय तो हमें सर्जरी एडवाइस करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है ना, एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी वो चांस बढ़ जाता है। तो इसमें हम जो भी है उसमें शोधन करके, रसायन करके हम ये प्रयास कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो इसमें ना हो, बीज वाहिनी में ना हो। एम आई करेक्ट? यस मैडम, कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे इसमें ये विचार करें। हाँ, नेक्स्ट के लिए आप जरूर विचार करें, क्योंकि कई बार, क्योंकि आयुर्वेद में मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ है। इट्स अ इमरजेंसी, सो यू मस्ट गो विथ, बट नेक्स्ट प्रेगनेंसी इसमें ना हो इसके लिए हम जरूर प्रयास करें, जिसमें गर्भाशय को आप नॉर्मलाइज करें, वात शमन चिकित्सा करें, अवरोध दूर करें। देखिए, फैलोपियन ट्यूब में क्यों हो गई प्रेगनेंसी? कहीं ना कहीं अवरोध। इसमें मैं आपको शुरू से बताती हूँ शशि जी, गर्भ संस्कार, गर्भ वाले जो भी पॉइंट्स है, गर्भ स्थापना वाले, इसमें पोजीशन से लेकर सारी बातें, यानी पति पत्नी दोनों को शरीर शुद्धि करके ही इसमें गर्भ स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए, ये मेरा विचार है। जो मैंने अभी बताया ना, प्री कंसेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से गर्भ संस्कार करें। अब दोनों पति पत्नी कपल को बताइएगा कि अच्छे से शरीर शुद्धि करे, यानी पंचकर्म करे, शोधन करे, थोड़ा रसायन ले, और फिर प्लान करे। और जो मैंने पुत्रेष्टि अध्ययन या मैंने कुछ सेशंस में बताया था किस प्रकार से गर्भ स्थापना, नॉर्मल गर्भ स्थापना के लिए हम किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वो विचार करके प्लान करना चाहिए। आप अपने क्षेत्र को अच्छा बनाइए, गर्भाशय को अच्छा बनाए। इसके साथ साथ शुक्र, शुक्र एंड स्पर्म क्यों गया इधर, मतलब अपना स्थान छोड़ के ट्यूब में क्यों चला गया बताइए? ऐसे विचार करिए, उल्टा विचार करिए, बताइए आर्शिया जी। अच्छा, मोस्टली तो डिजोल्व हो जाता। ओके, बताइए शशि मैम, आप बताइए मैम, आप थोड़ा उल्टा विचार करके बताइए क्या हो सकता है इसे। क्योंकि इसमें तो ट्यूब में एक बार वो चिपक गया है। आपने कभी देखा है मैम ट्यूबल प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं होता है। नहीं आप इसके कारणों का विचार करें, इससे क्यों हुआ, क्यों होता है बताइए। यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता। हाँ, तो गर्भाशय में क्षमता कम है क्या, क्यों होता है ऐसे? नॉर्मली क्या सोचते हैं आप लोग कि गर्भाशय में गर्भ स्थापना क्यों नहीं होती है? वो दूसरे और कहा क्यों चली जाती है, क्यों, व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है? माधुरी जी, संपत बताइए, मंदाकिनी जी बताइए, ऐसे क्यों होता है? विमार्ग गमन, अपान वायु, करेक्ट, वेरी करेक्ट, क्यों चला जाता है विमार्ग गमन, क्यों? एक देखिए, इसमें क्या क्या संभावना होती है कि विमार्ग गमन कब होगा? कहीं पर स्थान जो है, गर्भाशय जो है, कहीं पर गर्भाशय की क्षमता नहीं है क्या कि गर्भ का धारण करे? अच्छा, घी का सेवन, यानी फिर वहां पे वात प्रकोप हो गया। बिल्कुल, घी का सेवन, इसीलिए तो मैंने स्नेहन पे बहुत ज्यादा ये किया है कि स्नेहन जरूर करवाए, पिचू रखे आप, नस्य करवाए, स्त्रोतोरोध, करेक्ट है। तो स्त्रोतस अवरोध गर्भाशय को बलवान बनाएंगे, और जो मैंने बताया वो भी जरूर सोचिएगा, माता पिता यानी पति पत्नी दोनों को वात प्रकोप से दूर रखे। फिर वो प्रवास आ गया, फिर वो वेग धारण आ गया,
उनका आहार आ गया, मतलब शुद्ध शुक्र शुद्ध आपको बनाइए पहले, और अगर वो ये करते हैं तो आई डोंट थिंक कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी नेक्स्ट इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक बार इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो कम से कम एक साल का जरूर ये रखे, कंटिन्यूली तुरंत मत प्रेग्नेंट हो जाए, तो दूरी बनाए। Am I right? Yes, बताइए और बताइए आप क्या सोचती है, सारे लोग बताइए मैम। इसके लिए कोई रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं मैम आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको बताइए, मतलब जिन कौन सी महिलाओं में ट्यूबल प्रेगनेंसी होने की संभावना ज्यादा होती है बताइए। यस मैम, किसी का कोई इसमें ये है तो बताइए। आई थिंक जिनमें प्रीवियस इन्फेक्शंस की हिस्ट्री रही हो, कुछ गनोरिया वगैरह, इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसका ट्यूब का और नियर बाय ऑर्गन्स का, तो इसमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ बर्थ कंट्रोल डिवाइस के कारण भी होता है। तो वो भी हो सकता है, कुछ डिसीजेस पीआईडी में भी होता है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, और ये अगर रप्चर हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। सो डोंट टेक अ रिस्क एट ऑल, इसमें बिल्कुल भी रिस्क ना ले, मेरा तो यही सभी के लिए ये रहेगा। इसमें ना मैम एक सुकुमार कशाय का भी बेस्ट रोल रहता है ना, एक और मैं बताती हूँ, इसमें चेरी या मधुस्नोई रसायन जो है आप इसको जरूर यूज करें। मैंने फलसर्पी का बताया था, सुकुमार कशाय का भी बेस्ट रोल रहता है ना, ये सुकुमार एंड फलसर्पी दोनों रसायन है, वात का अनुलोमन करें, और जो चेरी मैं बता रही हूँ चेरी मधुस्नोई जो है ये लेखन का काम करती है, तो कहीं ना कहीं जो चिपक कर बैठा है, जो जिसको जिसके कारण बायकॉर्नी टूट्रस बन गया है, उसके लिए अच्छा है चेरी मधुस्नेही रसायन। दीपन है, लेखन है, रसायन है, और ये बल भी बढ़ा देता है। यस मैम बोलिए आप। अभी अभी से आज अभी मैंने थोड़े इसके लिए मैंने ये सेशन लिया था। एक और एक बात बताऊंगी मैं, कृमिघ्न चिकित्सा भी जरूर करिएगा इसमें, है ना, कृमिघ्न चिकित्सा करनी चाहिए ना मैम, अगर लाइक रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस को लेकर पेशेंट आती है तो। मंदाकिनी जी, माधुरी, यस मैम करनी चाहिए कृमिघ्न चिकित्सा तो डेफिनेटली, क्योंकि शादी के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आपने जो बताई हैं ओरल पिल्स वगैरह सारा, लेकिन शादी के पहले जब लड़की ये सब कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं होता है कुछ नहीं है, तो मेनली हमारा आहार विहार और मनस ही होता है, और स्पेशली मनस तो फिर भी उतना नहीं होता जितना हमारा आहार विहार रखता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद कृमि चिकित्सा, शायद नहीं डेफिनेटली कृमि चिकित्सा हमें यहाँ पे देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या होंगी इसमें क्या विचार कर सकते हैं, प्रजास्थापन गण का द्रव्य बिल्कुल यूज करिए मैम, बेस्ट रहेगा प्रजास्थापन गण, जरूर डाले बेस्ट है इसके रिजल्ट। और कभी थोड़ा शोफर भी चिकित्सा करें, सूजन भी ना हो कभी कभी, जैसे ना पीआईडी वगैरह थोड़ा सा हो सकता है पेशेंट्स में ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी विचार करें। तो मेरे विचार से तो हम सभी इसमें विचार बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लान कर सकते, बहुत है मेडिसिन तो बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है हमारे पास गर्भस्थापना के लिए, वो सारे यूज करें आप। शिला जतु है, बहुत अच्छे है, और आप फॉलोअप लीजिएगा पेशेंट का अच्छे से ना, उदावर्तिनी योनि व्यापक जैसे इसको बताया है। यस मैम, और कोई किसी का इसमें अनुभव हो तो बताइए, कुछ बताना चाहते हैं कोई तो।
बट आई थिंक बायकॉर्निट यूट्रस ये एक प्रकार सी थोड़ी सी कॉमन भी है कंडीशन. बस इसको ना क्या होता है ना, कई बार ना इसको डायग्नोस ही नहीं करते, मेरे विचार से इसको डायग्नोस नहीं कर हो पाता है, इसीलिए फिर पेशेंट के प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं. और अगर पेशेंट कभी कभी तो नॉर्मल प्रेगनेंसी भी रह सकती है इसमें. अब ये डिपेंड करता है ना, जो भी उसका बल है, उसकी प्रजनन क्षमता कैसी है और कितनी, मतलब उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो भी डिपेंड करता है. तो बहुत बार नॉर्मल भी हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को पता भी नहीं होता है. अगर कुछ समस्या हो, देखिए हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, कुछ समस्या हो तो जाते हैं ना, नॉर्मल इसमें क्यों कौन जाएगा, तो पता भी नहीं चलता कभी कभी. सो फर्टिलिटी रेट को बढ़ाइएगा. फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में जो भी सारे बातें बताई गई है, तो माल फॉर्मेशन के लिए तो मैंने बताया तिलते लपामार क्षार शतावरी घृत शतावरी गुलम करके मैंने एक कल्प पढ़ाया था, काफी अच्छा है उसका भी मैम रिजल्ट शतावरी गुलम का, सुंदर काम करता है वो शतावरी गुलम. और कुछ और भी है इसमें, बाकी भी आप यूज कर सकते हो. रेजिटोन करके सिलप आता है, ये वैद्य रत्नम का है, काफी अच्छा अद्भुत है इसका भी रिजल्ट रेजिटोन. और फलग्रुत तो हार्मोन लेवल पर भी काम करता है, तो वो तो मतलब क्लासिकल ही है. और ये जो मैंने रेजिटोन बताया ना, ये भी यूट्रस का टोन बढ़ाता है और सभी जेनेटल ऑर्गन्स को भी ये न्यूट्रिशन देता है. यस मैम. सो इस प्रकार से स्नेहन बल्य अग्निवर्धक त्रिदोष शामक वगैरह वगैरह सारी ट्रीटमेंट इसमें प्लान करिएगा. अभी आप इस आगे से जो भी सारे केसेस देखेंगे इसमें जरूर इसका विचार करें, बताएं, और इसी के लिए ये सेशन आज हमने इसमें प्लान किया है. हाँ मैम, डॉक्टर संपदा. मैडम एक पेशेंट के बारे में पूछना था. हाँ बोलिए. 30 इयर्स पेशेंट है, फीमेल पेशेंट. 10 ईयर मैरिड लाइफ है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी. 60 kg वेट है, ओबेज है, 5 feet हाइट है. टैबलेट लेके ही पीरियड्स आते हैं. अच्छा. उसका पंचकर्म प्लान करना है. पहले दीपन पाचन. हाँ दीपन पाचन स्टार्ट किया है मैंने. कुमारी आसो आरोग्य होते नहीं दिया. हाँ कुमारी आसो क्यों दिया? अभी पीरियड्स आए ही नहीं है उसके. 2 months समय लगे. अच्छा 2 months हो गए, पीरियड आए नहीं? आए नहीं. अच्छा पहले रेगुलर थे? नहीं नहीं इरेगुलर ही है. इरेगुलर ही है. अच्छा तो रस पाचन करिए मैम, रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए और आरोग्य वर्धिनी दीजिए. हाँ दिए. आपने नस्य भी चालू करिए थी. अभी आपको पीरियड लाना है ना, पहले पीरियड लाएंगे और फिर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे ना. मैडम प्री मेंस्ट्रुअल दे सकते हैं क्या अभी? बस्ती दे सकते हैं, दीजिएगा मात्रा बस्ती, ऐसा कुछ नहीं है. सरिष तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, क्या पता पीरियड आ जाए. फिर पीरियड आने के बाद हम लाइक पीरियड हो जाने के बाद फिर आगे का प्लान कर सकते हैं, है ना? दे सकते हैं. पेशेंट को मतलब बेसिक कंप्लेंट क्या है पेशेंट को? इनफर्टिलिटी. हाँ पीसीओडी. तो फिर अच्छा ये कोई बात नहीं, आप अभी दीजिएगा मात्रा बस्ती दीजिएगा सहचर तेल का, आरोग्य वर्धिनी रस पाचक पट्टी दीजिएगा और फिर हम जैसे उसका साइकिल हो जाता है ना, फिर हम स्नेहपान करके पेशेंट को विरेचन देते हैं. पहले विरेचन के बाद फिर नेक्स्ट महीने में बस्ती देंगे और फिर नेक्स्ट महीने में हम फलद्रुत वगैरह उनको लाइक गर्भधारणा. पर पहली क्या हिस्ट्री बताई, कुछ एबॉर्शन की हिस्ट्री है क्या? नहीं 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 कहीं कई बायर ट्रीटमेंट. अच्छा अच्छा अच्छा
ठीक है। मग आता सध्या तरी मला असं वाटतं की पिरियड येऊन जाऊ दे, पिरियड येणं महत्वाचं आहे, है ना? आणि मग पिरियड आल्यानंतर आपण पुढचं करू। आता तुम्ही द्या आरोग्य वर्धिनी रसपाचक आणि मात्राबस्ती द्या सहिचर तेलाचा। ठीक आहे मॅडम। कुमारी असं राहू द्या, काही हरकत नाही, कुमारी असं ठेवलं तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये। पण कधी रसपाचन पण कधी कधी रसवी, आता ही रसविकृती आहे ना एक प्रकारे, कारण रस धातूचच हे होत नाही, पुष्ट होत नाहीये, म्हणजे रसधातू चांगला बनण्यासाठी आपल्याला थोडस हे करावं लागतं ह्याच्यामध्ये। कधी कधी ह्याच्यामध्ये विरेचन पण दिलं तर चालतं मॅडम, म्हणजे विरेचनाने पण कधी कधी पिरियड येऊन जातं। ऍक्च्युली विरेचनाने तसं पण होतं, पण बऱ्याच केसेस मध्ये विरेचन दिल्या आणि पण पिरियड येतो। तर आधीपत्ती का चूर्ण रोज घेतलं तरी पेशंट काही हरकत घेऊ देत का? चालेल, मला सांगा मग नंतर या केस बद्दल, तुम्ही सुरू करा आणि सांगा। नंतरच्या नेक्स्ट सायकल मध्ये आपण इन्व्हेस्टिगेशन काही केलेत का? इन्व्हेस्टिगेशन केलेले आहेत की एचएसजी वगैरे काही केले का? हा, फॉलिक्युलर स्टडी किया आहे म्हणजे पहिले डॉक्टरांनी, एचएसजी किया आहे, हार्मोनल थायरॉइड टेस्ट, बाकी के टेस्ट किए हैं सगळे। ठीक आहे, वो भी शेअर करिएगा, फिर वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना? ओके ओके मॅडम। और कुछ बताना इसमें मंदाकिनी आपको? नहीं मैम, मैं सुन ही नहीं पाई, पेशेंट कैसे लग रही है। एक डालिए संपदा थोड़ा सा इसमें, आप ग्रुप पर डालिएगा, चर्चा होती रहेगी ना फिर, जैसे तो अच्छा लगता है, मतलब ग्रुप पर डाले तो थोड़ा आराम से सोच भी सकते हैं ना। हाँ मैम, ठीक, यस। चलिए तो आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और फिर चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके, नमस्ते, थैंक यू।